Ya, seperti merah pekat. Menyimpan saat estetika dari Shan Agya. Wajah Ilie, tanah Ilie, sub Ilie Agya Meliwi. Jantelna, porta negayana. Harap sabi. Akya kari bajeona.
सभी का अव्यक्ति परिवार में स्वागत है। Constant, आज की तारीख है 29th, सदा खुश। आज का विषय है अव्यक्ति स्थिति की निशानियां। अभी हम माननीय मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। सभी को ओम शांति। जब बाबा से सुन रहे हैं तो बहुत ही हल्कापन और खुशी होती है, क्योंकि जो भी हमें अभ्यास करना है बाबा हमें वो अनुभव कराते हैं और फिर हमें समझाते भी हैं। तो मुझे अनुभव हो रहा था कि अव्यक्त स्थिति क्या है, और बाबा जो समझा रहे थे वो स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि बाबा हमारा गाइड है, राइट। आत्मा इसलिए आकर्षित होती है परे जाने के लिए, और जब आत्मा परे है बाबा के साथ तो वो एक अव्यक्त स्थिति का जरूर अनुभव कराता है। तो बाबा देखते हैं हमारे में, क्या हमारे में बाबा देखता है, तो वो अव्यक्त है। और मतलब बाबा देखते हैं कि हम कब तक अव्यक्त रहे। बाबा सिर्फ आत्माओं को नहीं देखता है, परंतु वो आत्मा की विशेषताओं को, शक्तियों को देखता है। जो भी सुंदर सौगातें हमें मिली है वो सभी बाबा देखता है। तो बाबा की जो दृष्टि है हमारे ऊपर, हर एक के ऊपर, तो हम बाबा की दृष्टि लेना चाहते हैं और बहुत खुश रहना चाहते हैं। तो एक साधारण सिंपल अभ्यास है कि हर आत्मा को, वो सुंदर आत्मा है, विशेष आत्मा है, गुण वाली आत्मा है, इवन तो हमें पता है कि वो नंबर वार है। और दूसरा क्या महत्व का है कि कौन सा शरीर का भाग है, कौन सा शरीर का पार्ट है जो हमें देहभान में लाता है और आत्मिक स्थिति से बाबा से दूर ले जाता है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। क्या मेरे कान है वो सभी सुनना चाहते हैं, और क्या मेरे बोल है, मुख है जो सब कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि शरीर व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है, और आत्मा को यह व्यक्त खींचता है। तो यह प्रश्न नहीं है कि सिर्फ कर्म करना शरीर के द्वारा नहीं, लेकिन एक सेंस ऑर्गन्स का आकर्षण होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको दिशा देता हूँ, श्रीमत देता हूँ हर चीज के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए। तो यात्रा में क्या महत्व का है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। तो अगर मैं श्रीमत को फॉलो नहीं करूंगा तो मैं मेरा समय व्यर्थ गवाऊंगा, संकल्प व्यर्थ गवाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि पूरी दिनचर्या में कभी ना कभी
अवज्ञा हो जाती है। तो हमारा होमवर्क क्या है कि मन के लिए बाबा ने क्या निर्देश दिए हैं और क्या बुद्धि के लिए निर्देश दिए हैं, और जो भी मन और बुद्धि में है वो फिजिकल ऑर्गन्स के द्वारा कर्म में आता है। तो फिर चेक करना है कि जो शरीर के ऑर्गन्स है वो निर्देश अनुसार हम उपयोग करते हैं, ये बहुत ही महत्व का है। और दूसरा महत्व का है हमारी स्मृति क्या है, क्योंकि उसके अनुसार हमारी वृत्ति, दृष्टि, इंटरेक्शन, संबंध, संपर्क, तो वो सारा डिपेंड है अवेयरनेस पर, स्मृति में, स्मृति के ऊपर। अगर हम स्मृति को बनाए नहीं रखेंगे तो वृत्ति दृष्टि नहीं रहेगी अव्यक्त। तो अगर ये हम नहीं कर पाते हैं तो शाम तक हमारी शक्ति जैसे कम होती जाती है। तो मैं यह नहीं कहूंगी कि यह सहज है, तो ये शुरुआत में जरूर एक पुरुषार्थ की जरूरत होती है। तो अभी हम नया साल शुरू कर रहे हैं कुछ दिनों में, क्योंकि जनवरी मास में हम हमारे बाप दादा के, ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त हुए, तो हम विशेष रूप से जनवरी मास अव्यक्त स्टेज का अनुभव करने के लिए निकालते हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी स्मृति क्या है, मैं शरीर का ऑर्गन्स अंग यूज कर रहा हूँ, वह शरीर के अंग मुझ आत्मा को खींचते हैं, क्या मैंने सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा बोला, तो बोल को चेक करेंगे कि क्या वृत्ति प्योर थी, शुद्ध थी। तो हर एक मेरे साथ लिखना चाहते हैं कि मन के लिए बाबा ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, शब्द के लिए बाबा ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, हर एक ऑर्गन्स के लिए बाबा ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। अगर वो हम लिखते हैं और उसके आधार से हम चार्ट मेंटेन करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली चढ़ती कला में जाएंगे। और देखो, ब्रह्मा बाबा हमें हमेशा आकर्षित करते हैं, हमें वो आकर्षण फील होता है, परंतु हम उसमें स्टे नहीं रहते, मेंटेन नहीं करते हैं उस स्टेज को। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि परे रहो, परिस्थिति में रहो, मेरे साथ रहो, क्योंकि हमें शरीर आकर्षित करता है, देहबान आकर्षित करता है, और देह के साथ कनेक्टेड कर्म भी आकर्षित करता है। तो जैसे आपको भी कर्म करना होता है, मुझे भी बहुत सारी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, परंतु जैसे ही वो कर्म खत्म होता है तो मैं कहती हूँ वो खत्म हो गया, और फिर मैं वापस अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करती हूँ। तो कोई प्रश्न पूछता है तो मैं तुरंत आंसर देके क्वाइट हो जाती हूँ। कभी कभी परिस्थिति का भी हमें परिस्थिति को भी संभालना पड़ता है, कुछ भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो छोटा है, लेकिन अगर हम बड़ी रीति से देखें, दीर्घ दृष्टि से देखें, तो जो सॉल्यूशन है वो अंदर से आता है, और वो हमारी अव्यक्त स्टेज से आता है, वो हमारे प्योर हार्ट से आता है, तो फिर वो सुंदर एक सॉल्यूशन हमें देता है अव्यक्त स्टेज। तो हमारा जो कल्याण है, तो खुद के लिए कल्याण करना अर्थात बाबा का डायरेक्शन श्रीमद फॉलो करना, और
अगर हम आज्ञाकारी बनते हैं तो जैसे कि बाबा का वरदान मिलता है और हम एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कोर्स कराऊं वगैरह, लेकिन बाबा को मुझे उपयोग करना है। ये मुझे जैसे टच होता है यज्ञ सेवा में, तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, परंतु एक संतुष्टता के साथ, खुशी के साथ वो करना है। और मैं एक बाबा का पुल आकर्षण अनुभव करती हूँ, लेकिन हमें ये जो व्यक्त दुनिया है वो आकर्षित भी करती है, तो बाबा भी आकर्षित करते हैं, ये दुनिया भी आकर्षित करती है। तो हमें अभ्यास करना है कि व्यक्त स्टेज का हमें लेट गो करना है। हमें पता है कि हाँ कुछ चीजें सही नहीं है और ये सही है, फिर भी हमें उस बातों को, व्यक्त बातों को लेट गो करना है। अगर हम लेट गो नहीं कर पाएंगे तो हम परे अर्थात बियॉन्ड जो अव्यक्त स्टेज है उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सच में अव्यक्त स्टेज के लिए हमें व्यक्त से परे जानना ही पड़ेगा। तो बाबा हमें अलग अलग स्टेप्स बताते हैं। तो बाबा कहते हैं फुट स्टेप के ऊपर फुट स्टेप रखो, परंतु वो फुट स्टेप्स है क्या? तो हम ये सब रेडी रखेंगे, मन के फुट स्टेप्स, तन के फुट स्टेप्स, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमें पुल कर रहा है और हम कहाँ कनेक्टेड है। तो जैसे कि संकल्प आते हैं कल ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने कभी कुछ देखा, कुछ हमने ले लिया, हमने कुछ कहा, हमने कुछ सुना, तो ये सभी कहीं ना कहीं हमें कहना पड़ेगा कि वो ड्रामा में था और बहुत प्यार से रहम दिल से उसको जैसे कि लेट गो करो, स्वीकार करो। तो मुझे ये वरदान अच्छा लगा कि बाबा कहते हैं कि आप उस डिग्निटी में रहो, उस नशे में रहो, तो आप लेट गो कर पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, ये हमें ध्यान में लानी है। क्यों मुझे कुछ बातों के लिए बहुत सारे विचार आते हैं, और अगर हमारे में कुछ भी नेगेटिविटी है, जैसे कि ईर्ष्या है, सहन नहीं कर पाते हैं कुछ भी जो अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जो समय है वो हमारे मन को बहुत शुद्ध और क्लीन रखने का है, क्योंकि बाबा हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। तो सिर्फ हर आत्मा के लिए शुद्ध प्यार, वो शांत स्वरूप आत्मा है, एक होता है साइलेंस, एक होता है पीस। तो मैं शांत हो सकती हूँ, लेकिन क्या मैं पीसफुल हूँ? मैं प्यारी आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु हमें अनुभव करना है कि ये अव्यक्त स्टेज का अनुभव करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 20 मिनट में इसका अभ्यास करती हूँ। फिर चेक करो कि अपने कर्म में आपके सेंस ऑर्गन्स कहाँ आपको डिसीव कर रहे हैं, आपको श्रीमत को भुला रहे हैं। जब हम नए नए ब्राह्मिन्स थे तो दादी हमें कहती थी जैसे कि जहां पर भी जो भी ऑर्गन वीक है, कुछ होगा तो उसको हर्ट होगा। इसी तरह से कुछ एक लोग हमें कुछ कहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो होता ही रहेगा, वही सिचुएशन आती रहेगी जब तक हम पास नहीं होंगे। और ड्रामा आपको मदद कर रहा है पास करने के लिए, परंतु हम स्टक हो जाता है कि वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा,
व्यक्ति को जो कहना है वो कहेगा, परंतु मेरा रिस्पांस क्या है। अगर मैं वही सोचती रहूं कि उस व्यक्ति ने क्या कहा, तो फिर ये वो शांत स्वरूप आत्मा है वर्क नहीं करेगा। जब हम परे जाने का अभ्यास कर रहे हैं, ये जो परिवर्तन है आपके अंदर, तो आप अलग अलग सीन्स जो ड्रामा के हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं व्यक्त के द्वारा हमारा ध्यान व्यक्त में होने की वजह से हम वो उड़ती कला में, अव्यक्त स्टेज की उड़ती कला में नहीं जा पाते हैं। तो ड्रामा भले प्ले हो रहा है, उसको प्ले होने दो, और हमें भी अच्छी तरह इंटरप्ले करना है। दादी गुलजार कहते हैं कि परिस्थिति जो है वो चेंज होती रहती है, वो रिपीट नहीं होती है। तो क्या परिस्थिति बदलेगी? वो कभी नहीं बदलेगी। तो मुझे क्या करना है? मुझे योग पावर से, मेरी अव्यक्त स्टेज से उसको सेटल करना है और कुछ नया। मैं हमेशा मेरे खुद को कहती हूँ कि मैं सेटल कर रही हूँ, लेकिन मैं क्रिएट क्या कर रही हूँ, क्या रच रही हूँ। तो मुझे शांति का इंटरेक्शन चाहिए, परंतु मैं क्रिएट क्या कर रही हूँ। तो दो चीजें है, सेटलमेंट और क्रिएशन। सेटलमेंट तो हो रहा है, लेकिन मैं क्या रच रहा हूँ, क्या रच रही हूँ, ये चेक करना है। क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ। तो अव्यक्त स्थिति के लिए पहला स्टेप है, डेफिनेटली आपको बाबा का पुल, आकर्षण फील करना है। सभी अनुभव कर रहे होंगे, और फिर चेक करो कि कौन सा सेंस ऑर्गन हमें पुल कर रहा है, हमें प्रभाव में ला रहा है, कौन सा सेंस ऑर्गन्स के वश हम हो जाते हैं। परंतु ड्रामा का सीन आएगा ताकि आप उसको देखें, लेकिन आप परे होकर उसे देखें। हम ड्रामा के सीन्स को, परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन आप पास विथ ऑनर जरूर हो सकते हैं। आप सीन को पास जरूर कर सकते हैं अच्छी स्थिति से। तो मेरे पास जरूर शांति है, प्यार है, और उसके द्वारा मैं उसको सेटल करूंगी और नई रचना रचूंगी। जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत दूर नहीं है, परंतु हम उस स्टेज को बुद्धि में होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि हम बहुत बिन जरूरी बातों में फंस जाते हैं, तो हम इंस्ट्रूमेंट है, हमें ये गोल एकम्प्लिस करना है। तो अभी समय अनुसार मैं चेक करना है कि विचार के प्रति बाबा के डायरेक्शंस क्या है, और इवन शब्द के प्रति, बोल के प्रति। बाबा हमेशा कहते हैं कि तो कुछ भी होता है तो बाबा कहते हैं वरदान दो, ब्लेस यू। कोई एक बहन तो अभी जैसे एक बहन कह रही थी कि पहले हम कहते थे ब्लेस यू, अभी हम मास्क पहनते हैं तो जैसे कुछ अजीब सा लगता था, फिर भी हम कह सकते हैं ना ब्लेस यू। जब प्यार और रहम होता है, बाबा, मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ इस आत्मा को मदद करो, ताकि हम सभी साथ में रहे। शारीरिक रीति से साथ में रहना वो बात नहीं है, और हो सकता है हमारे विचार भी अलग हो,
परंतु हम सभी बाबा से आकर्षित होते हैं। तो मैं अभी जनवरी मास को जैसे आह्वान कर रही हूँ और हम सभी अव्यक्त स्थिति को उत्पन्न करे, क्रिएट करे। ऑफ कोर्स बाबा की मदद है, बाबा का वरदान हमारे साथ है। और जब हम शुद्ध विचार क्रिएट करते हैं और कोई भी सर्विस करते हैं तो हमें जब हम शुद्ध विचार करते हैं तो वो जैसे एक सेवा करता है। बाबा जो स्थापन कर रहा है, करने आया है, वो है सुंदर विचार। तो सोचो आपका एक एक विचार वो सेवा कर रहा है। तो जब आप एक एक शुद्ध विचार कर रहे हैं तो आपके द्वारा बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है, ऐसा अनुभव करो। और सर्टिफिकेट लेना है बाबा से कि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो आपको निर्देश मिलेंगे जनवरी मास के लिए। तो हम ब्रह्मा बाबा की तरह अव्यक्त स्टेज का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज कुछ अनाउंसमेंट है, आप जरूर हमारे साथ बने रहिए। और अव्यक्त यात्रा भी होगी और अव्यक्ति फरिश्ते बच्चों के साथ हैप्पी वर्ल्ड के बारे में अनुभव करेंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ हमें शेयर करना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जनवरी में हम क्या करने वाले हैं। जनवरी मास में हम आपको ये बताएंगे और हम जनवरी मास के लिए कुछ एक पॉइंट्स देंगे। और कल हम आपको बताएंगे एक विशेष भट्टी जो जनवरी मास में आ रही है, 16, 17, 18 जनवरी। तो कल हम उसके बारे में अनाउंस करेंगे और 31 दिसंबर को हम आपको बताएंगे। जनवरी महीना अगले दिन शुरू होगा तो आपको वो विधि बताएगी सिस्टर। तो हम आपको जनवरी मास का प्रमोशन दिखाने जा रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं। The power of tapasya. तपस्या की शक्ति, तपस्या का बल। It is the time of the most benevolent confluence age. यह कल्याणकारी संगम युग का समय है। It is the time when the One Father ignites the flame of the greatest tapasya. जब एक बाप महातपस्या की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं। The greatest tapasya is to belong to the One Father and none other. एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। The greatest tapasya can transform the world. महातपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है।
This January, Avyakti Parivar welcomes you to step into tapasya. We welcome you to experiment in the fire of remembrance and experience cleanliness, lightness, and newness. Yog Agni ke prayog dwara anubhav kare swachhta, halkapan aur navinta. Join us every evening for powerful insights from our Mohini Didi and feel the presence of Baba's rooms in the unique settings of different countries. Starting from 6 p.m. to 8:30 p.m. Eastern Standard Time, Hindi series from 6:45 to 7 p.m., followed by English series from 7 p.m. to 8:30 p.m. with live translation in Hindi, Spanish, French, Portuguese, Thai, Tamil, Telugu, Chinese, and Nepali. Presented daily on Zoom and YouTube. The time for tapasya is now with Avyakti Parivar. ओम शांति। ओम शांति। तो मुझे निश्चय है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। YouTube चैनल पर यह प्रमोशन रखा जाएगा, यह जो वीडियो था। और आपके WhatsApp ग्रुप में ये जो वीडियो है प्रमोशन का, आप बाबा के बच्चों को शेयर कर पाएंगे। And as I said, तो जैसे कि मैंने कहा कि कल हम अनाउंस करेंगे विशेष भट्टी का और अव्यक्ति परिवार जनवरी मास में हमने कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं जिस बात में हम ध्यान रखेंगे तो आपके ध्यान में हम लाएंगे। सबसे पहले आप वो स्लाइड लाएंगे तो जनवरी मास में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम दिनचर्या का टाइम टेबल खुद का रखेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सिर्फ शरीर के कर्म का नहीं परंतु हमारे मन के द्वारा क्या एफर्ट करेंगे वो भी लिखेंगे। और अमृत वेला के बारे में जैसे कि हम बाबा के रूम में बैठ के योग करेंगे वगैरह, मोरली इवनिंग मेडिटेशन, गुड नाइट मेडिटेशन हम बाबा के रूम में ही करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम यह करेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे। और हर रोज हम मुरली अटेंड करेंगे सेंटर पर फिजिकली, अगर पॉसिबल है, नहीं तो जूम के द्वारा कनेक्ट होके मुरली सुनेंगे। और मुरली के समय वीडियो हम ऑन रखेंगे, कैमरा ऑन रखेंगे, तो ये एक फुल अटेंशन का तरीका है। तो फिर खाना बनाना, बाबा को भोग ऑफर करना, साइलेंस में बाबा की याद में रहना, पानी पीना, हर समय बाबा को याद रखना, चलते फिरते बोलते समय तो हम याद रखेंगे बाबा को। हम थोड़ा डिसिप्लिन रखेंगे, खाना खाते समय हम प्रॉपरली बैठेंगे और बाबा की याद में हम खाएंगे और पिएंगे। तो क्योंकि जो भी खाना और ड्रिंक जाता है पानी, तो उस अनुसार विचार चलते हैं।
तो और हमारा जो डाइट है वो बहुत ही लाइट रखेंगे, जो भी हमारे शरीर के लिए सुटेबल है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम भट्ठी कर ना पाते हैं, तो हम बैठे बैठे भट्ठी करेंगे ऐसा नहीं, हमें शरीर को भी पूरी नींद देनी है, एटलीस्ट 5 घंटा अच्छी तरह से नींद लेनी है, नहीं तो हम योगा में भी सो जाएंगे। तो यह हमें मेक श्योर करना है कि हर रोज की जो स्लीप है उस पर भी अटेंशन रखेंगे। और हम जनवरी महीने में लौकिक और अलौकिक सोशल गैदरिंग अवॉइड करेंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फोन कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ईमेल करने के लिए, कंप्यूटर सेवा के लिए एक समय फिक्स करो, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी, और खास करके मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो स्पिरिचुअलिटी के अभ्यास के लिए रखेंगे। जितना हो सके मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, और जब जरूर होगी तभी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कि हम साइलेंस में रहेंगे तो किसी को मेरी साइलेंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हम ये नहीं करना चाहते हैं, तो हम धीरे बोलेंगे। पूरे दिन में चार्ट रखने का प्रयत्न करें, और जब हम रात को सोते हैं, सोने से पहले चार्ट रख के और प्रॉपर गुड नाइट करेंगे। परंतु ये जरूर हमारे अभ्यास को एक अलग दिशा देगा, और हमारा हर रोज का आध्यात्मिक होमवर्क भी रहेगा। तो मधुबन से सेंटर से जरूर वो रहेगा होमवर्क, परंतु ये इम्पोर्टेंट चीजें है जो हमने अभी डिस्कस की, चर्चा की। तो अभी हर रोज अमृत वेला भी हम विशेष भट्ठी के दौरान अमृत वेले का अलग अलग रीति से अनुभव करेंगे। 4 बार मधुबन की 4 तीर्थ की यात्रा करना, 3 बार वो अवेयरनेस इमर्ज करना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो हो सकता है कि आप अपने सेंटर से भी जुड़ेंगे, अगर आप नहीं तो आप यहाँ पे भी संगठन में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हम सब साथ में एक विशेष अमृत वेला का अनुभव करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, और कल हम भट्ठी के बारे में अनाउंस करेंगे, और 31 दिसंबर को इस सीरीज का जो होस्ट है वो आपको बताएंगे विशेष विस्तार से। तो फिर से आप सबको रिमाइंड करा रहे हैं कि हम हमारा बच्चों के लिए और यूथ के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं शनिवार को दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक EST टाइम। अगर आप चाहे तो रजिस्टर करेंगे इस लिंक पर। और यूथ के लिए भी क्लास रहेगा दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शनिवार को, हर शनिवार को 13 से 18 साल के यूथ के लिए। तो बहुत बच्चे और यूथ इसके बारे में बहुत खुश होते हैं, और ये बी के बच्चों के लिए है और बी के यूथ के लिए है। बहुत ही सुंदर पावर पॉइंट स्लाइड है कि 2021 को गुड बाय करेंगे, और 2022 को हार्टिली वेलकम करेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये आपको ईमेल कर दिया है। तो मलेशिया से बहुत ही सुंदर राइटिंग आए हैं, तो हमने पूरे अव्यक्ति परिवार के साथ यह शेयर किया है। तो ये पीछे देखना पॉइंट से थोड़ा स्लोली।
पॉइंट से कि मोस्ट इंस्पायरिंग मेमोरी क्या थी 2021 में, कौन सी चीजें आपने सीखी थी, और अभी आपको ये जो प्रश्न दिखाए गए हैं वो चेक करने हैं, जैसे कि कब आपको बहुत लाइव लगता है और आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं, और ऐसा एक लिस्ट बनाओ जो आप नहीं करना चाहते हैं, ऐसा एक लिस्ट बनाओ जो आप करना चाहते हैं भविष्य के लिए 2022 में। आप क्या पाना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट्स है, तो जरूर आप उसको पढ़ेंगे और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास तीन फरिश्ते हैं, उनको लाने से पहले हमारी अव्यक्ति यात्रा करते हैं। मम्मा की मुरली, ज्ञान के महावाक्य जो लक्ष्मी बनने वाली, मन को जड़ बनाना या कई समस्याएं शरीर में ही ना आवे, इसी से कई समस्याएं शरीर में ही ना आवे, तो न शरीर में ना आवे न ये जो एम है या कई ऐसे समस्याएं, ये भी रॉन्ग है। तो न मन में आवे न शरीर में आवे ये जो विचार करने, इसीलिए मन को बढ़कर करके दमन करना या शरीर से यहाँ कहाँ चले जाना है बाहर, ऐसे ऐसे जो बढ़कर करके कई साधनाएं करते हैं, इसी साधनाओं की कोई आवश्यकता, क्योंकि हमको शरीर में आना है। आत्मा मन बुद्धि चाहते हैं हमको शरीर में आना ही है, तो आना है उसमें हमको किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, और किस तरह से हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना, उसी चीज को समझना है। तो उसी के लिए बात कहते हैं, मैं आकर करके वो नॉलेज समझाता हूँ, तो तुम कौन सी चीज हो और तुम्हारे को शरीर में किस तरह से रहना चाहिए और तुम्हारी पवित्र स्टेज क्या है, वो चीजें मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आकर करके तुमको वो चीज समझाता हूँ जिसी के समझने से तुम फिर सदा सुखी रह सको। तो ये सभी बातें यथार्थ समझने की हैं। बाकी इसके लिए बैठ करके जिसके मन में जो आया किसी ने समझा, ये मन ही न हो ना, हा? ये जो संकल्प करता है, ये जो करता है, ये वो, इसीलिए कई समस्या हम इच्छाएं को दमन करें। हाँ, ये इच्छा, ये कई पर समस्या इच्छाई जो है वो हमको अशांत करें, हम इच्छाई न करें। हाँ, या तो समझे जो प्राप्त है वो ही सब ठीक है, हाँ, फिर चाहे हमको रोग आए ना तो भी हम समझे ये भी भगवान ने दिया है, ये भी ईश्वर का दिया हुआ, ये भी सब कुछ हुआ, ईश्वर का भारा मीठा करके भोगो, ऐसा ऐसा बैठ कर कर करके देते हैं तो जो मिला सो हाँ ठीक है, ऐसी ऐसी बात कर करके उसको, वो तो हुआ टेम्पररी अपने दिल को तसल्लिया देने के लिए, क्या भाई जो दिया ईश्वर ने दिया अपने को क्या करे, आया है दुख तो उसको किसी तरह से तो अपने मन को हाँ शांत रखने के लिए वो तो है, किसी को तसल्लिया देना होता है ना उसी तरह। लेकिन प्रैक्टिकल तो जो चीज है जिससे हमको अशांत दुख होता है वो चीज हमारे से मिटे कैसे, उससे हम क्या रोगों से मिट नहीं सकते हैं, क्या हमारे अशांत और दुख के जितने भी कारण है वो क्या मिट नहीं सकते हैं, उसको हम ईश्वर का भाना समझ कर करके मीठा कर करके भोगे, वो तो है आया है तो भोगना ही है, तो मीठा करके भोगे तो भी भोगना पड़ेगा, कड़ा करके भोगेंगे तो भी भोगना ही पड़ेगा, इसी से अच्छा मीठा करके भोगते हैं, वो तो वह दिल को तसल्लिया दे करके करके उसी बात को चलाना। परंतु क्या हमारे प्रैक्टिकल इसी कर्मों में ये चीज आती क्यों है, इन्हीं का कौन सा उपाय है जो हम इन चीजों से छुटकारा पावे। तो बाप कहते हैं बच्चे इन चीजों से ये कोई जरूरी नहीं है, ये अशांति रोग अकाले मृत्यु या ये सब दुख के जितने भी कारण है ये कोई जरूरी नहीं है,
जिसको फिर तुम समझो ईश्वर का भावना, ईश्वर ने ये दिया है, मैं कोई तुमको दर्द से रोक दूंगा क्या, यहाँ काल मृत्यु दूंगा क्या, मैं तो तुमको दुख और ये सभी चीजें, ये तो तुम्हारे कर्म थे, लेकिन कौन से कर्म, यही विकर्म, विकार के संग में जो तुमने अपने कर्म बनाए हैं, उन्हीं का कारण उन्हीं का नतीजा ये दुख है, अभी उसी का संग छोड़ तो तुम्हारा नतीजा फिर सुख का हो जाएगा। तो ये सभी चीजें समझने की ना, तो इसीलिए कहीं कहीं जो तरीके बैठ कर करके पीछे वालों ने लगाया वो है दिल पर सिला के विचारों को, जैसे जैसे जिसको किसी ने समझा ईश्वर का भाना समझेंगे तो मीठा लगेगा, दुख तो आया है पर उसको दुखी होगा के भोगे, इसीलिए अच्छा ईश्वर का समझेंगे तो थोड़ी तसल्या, पर तो ऐसे तो नहीं ना, उसे कितना काल हो उसी तसल्या में चलेगा, दुख आता है मन पीड़ित होता है, कई बातें होती है तो दुख तो दुखी करेगा ना, दुख का मतलब है दुखी करना। तो इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये कोई दुख जो चीज ही दुख है उसी का मिटने का उपाय समझो, बाकी ऐसे नहीं दुख आ रहे तुम उसको मीठा करके भोगो, नहीं दुख आ रहे क्यों, वो बनाए क्यों, उसके बनाने वाला कौन, तो तुम ही हो ना उसके बनाने वाला, तुमने बनाए लेकिन किसी रॉन्ग पॉइंट से, किस रॉन्ग तुमने कोई जरूर भूल की है, किसी भूल अवश्य बनाया है, वो भूल को समझो, उसी भूल को करेक्ट करो, तो फिर तुम्हारा दुख बने ही नहीं और तुम भोगो ही नहीं, बाकी ऐसे नहीं आ रहे तो उसको मिटा करके भोगने के लिए तुमको तसल्या के तरीके बदलाए, नहीं ये हो ही ना। तो इसीलिए बाप कहते बच्चे वो हो ही ना, उनका तरीका कौन सा वो मैं बतलाता, बाकी तुमको दूसरे जो है ना वो ये तसल्या के, चलो तुम्हारा मन भरता है इसको तीसरा माइंड चाहिए, चलो इसको जड़ बनाने का ये रास्ता करो, वहां टेन पर आई हो थोड़ा समय, जड़ कितना समय बैठ सकेगा, थोड़ा समय कर करके आपने तो जड़ भी बनाए, चलो कोई संकल्प नहीं, तो कहा तक ये सारा समय तो बात होने की भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, इसीलिए टेम्पररी, इसको कहा जाता है टेम्पररी, अलग काल के लिए। तो ये सभी बातें हमको अलग काल की शांति या अलग काल का सुख या अलग काल की ये सब देते हैं, सदा काल की तो नहीं देंगे ना, तो बाप इसीलिए कहते हैं मैं आकर करके सदा काल की देता हूँ, और ये मनुष्यों के द्वारा तुमको अलग काल की, ये अर्थ योग प्राणायाम फलानी फलानी जो भी, या समाधि चराना या ये सब जो चीजें हैं, ये सब तुमको बैठ करके अलग काल की प्राप्ति देने की चीजें हैं, तो वो अलग काल मैं तो सदा काल का देता हूँ, जिससे तुम सदा के लिए इसी दुखों से छुट जाओ और सदा के लिए सुख पाओ। तो ये सारी चीजों के कंट्रास्ट को भी समझना है, इसीलिए बात कहते हैं मेरा काम और कोई नहीं कर सकता, तो मेरा काम नया हो गया ना, मनुष्यों का काम और मेरे काम में रात और दिन का फर्क है, मैं जो सिखाता हूँ उसकी जो प्राप्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, और मनुष्य जो सिखाते हैं और मनुष्यों से जो प्राप्त होती है वो अलग काल की है, इसीलिए मेरे प्राप्ति और उनके प्राप्तियों में रात और दिन का फर्क। तो ये सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना। अच्छा टाइम है 2 मिनट पहले, कैसे करें हम शुक्रिया Shanti. So yes, tomorrow is Thursday and we'll be offering book to Baba and the schedule will be same and edition is Sakar English Muli from 5 to 60. Well, today is the day 28. Welcome to the happy world of August. December 29th, constant happiness. 29th December, Sada Khush Rehna, Atendriya Sukh. चेयरफुल रहना अर्थात अतिंद्रिय सुख में झूलना, अतिंद्रिय सुख की स्थिति से हम सरलता से आत्माओं का आह्वान कर पाएंगे, और यह पावरफुल रखना था तो हम सुनेंगे अभी आरव से। व्यक्ति स्टेज की स्थिति निशानी है कि अलौकिकता होगी हर कर्म में, और दूसरा
और कर्म करते समय अतिंद्रिय सुख का वो अनुभव करेंगे हर एक सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, उनकी आंखें, नैन और कर्म वो सदा के लिए अतिंद्रिय सुख का अनुभवेंगे। ओम शांति। The sign of avyakti stage. The sign of avyakti stage. There will be alaukikta in each action. अव्यक्त स्थिति की निशानी है, हर कर्म में अलौकिकता होगी। दूसरा, हर कर्म करते समय वह अतिंद्रिय सुख का हर सेंस ऑर्गन्स के द्वारा अनुभव करेंगे। From every physical sense. के नैन, चैन और कर्म एंड एक्टिविटी वो सदा अतिंद्रिय सुख के अनुभव में रहेंगे। रिमेन इन सुपर सेंशियस हैप्पीनेस। Okay.
कि मैन चेन उनकी चालन अतिंद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी।